हाय फ्रेंड्स, मोना की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही अलग तरीके से पनीर बना के दिखाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही खाने में यम्मी लगता है। ये पूरी पराठा दाल चावल किसी के साथ आप खा सकते हैं और बहुत ही अमेजिंग होता है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और एकदम लटपटा बनता भी है। अगर मेरी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर लाइक करें और पहले आइकन दबाएँ और कमेंट में लिखें कि मेरा रेसिपी कैसा बना है। और ये झटपट बन भी जाता है और सबको पसंद आता है, जो भी खाएगा खुश हो जाएगा, बोलेगा वाह देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है और कितना टेस्टी है। तो चलिए अब हम पनीर बनाते हैं। एक नए तरीके से पनीर बना के हम आपको दिखाने वाले हूँ, जो कि बहुत ही अमेजिंग बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप लोग भी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए और जब भी बनाएंगे या जो भी खाएगा उसका तारीफ ही करेगा, क्योंकि ऐसा बनता ही है, बहुत टेस्टी बनता है और सबको पसंद आता है। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है और खुशबू भी उतना ही अच्छा है, इसका उतना ही टेस्टी है। तो ऐसे ही करके ये पनीर बनाइए, खाइए। चलिए तब हम शुरू करते हैं। इसके लिए मैं 250 ग्राम पनीर ले ली हूँ, 3 मीडियम साइज़ का प्याज है, 5 मीडियम साइज़ का टमाटर है और तेज पत्ता है, हरा मिर्चा 3 है, मेथी है, थोड़ी सा दालचीनी और ये एवरेस्ट का मैं चिकन मसाला ली हूँ और 2 मैं शिमला मिर्च ली हूँ। ये सब करके मैं आप लोग को बना के खिलाऊंगी, बहुत ही टेस्टी बनता है। देखिए तो प्याज को थोड़ा मोटा मोटा कट कर लेना है। इसको मोटा मोटा और इसी साइज में टमाटर कट कर लेना है। और फिर शिमला मिर्च भी कट कर लेना है। इसी तरह से शिमला मिर्च कट कर लेना है। शिमला मिर्च भी बड़ा बड़ा टुकड़ा कट कर लेना है। इसका बीज निकाल के मैं कट की हूँ, सब बराबर साइज में कट हो गया है और हाई फ्लेम पे मेरा कढ़ाई है। इसमें मैं तेल डालूँगी, तेल मैं 2 से 3 चम्मच डाल रही हूँ। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं रहता है, ऐसे ही बन के तैयार हो जाएगा, लटपटा बन जाता है। तेल गरम हो जाएगा तो मैं इसमें तड़का डालूँगी। तो तेल मेरा गरम हो गया है, अब इसमें मैं ये पनीर का मैं छोटा छोटा टुकड़ा तब तक कट कर ले रही हूँ। ज़्यादा छोटा नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं, मीडियम साइज का। सब एक साइज का कट कर लेना है, तब तक तेल एकदम गरम हो जाएगा। तो उसमें हम मेथी का तड़का डालूंगी। मिर्ची का इसमें 3 मिर्चा है तो इसको 2-2 टुकड़ा में कट कर लूंगी। ये दालचीनी 2 टुकड़ा छोटा छोटा, इसके बाद मेथी ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, तेज पत्ता 2 से 3 तेज पत्ता है,
दो हरी मिर्च को दो दो टुकड़े कर ली हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें हींग डाल रही हूँ। अब इसमें भी प्याज डाल दूंगी। प्याज को हाई फ्लेम पे भूनना है। उसके बाद शिमला मिर्च डाल दूंगी। इसको भी भूनते रहना है। सब थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तब जाके मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी। ज़्यादा ब्राउन प्याज नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा कलर पे आ जाएगा तब मसाला ऐड कर दूँगी इसमें। बहुत ही मस्त बनता है। थोड़ा सा हींग और डाल रही हूँ। सॉरी मैं बताई नहीं, मैं जीरा भी डाली थी इससे पहले। जीरा का कॉम्बिनेशन इस सब तड़का का बहुत अच्छा सुंदर सुंदर आता है। एक चम्मच में हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। ये मैं एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है जो कि बारीक पीस ली हूँ। इसको फिर अच्छे से खूब अच्छे से चला देना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद पाउडर मसाला डालूँगी मैं। अच्छे से चल गया, देखिए खोलने लगा। एक चम्मच में इसमें धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच से थोड़ा कम काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, करके सबको अच्छे से चला देना है। तब इसके बाद मैं टमाटर इसमें डाल दूंगी। इसको भी सब हाई फ्लेम पे अच्छे से चलाना है। सब्जी फिर अपने कलर पे आने लगेगा। इसको ढक के 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाना है। देखिए सब्जी भुनने लगा है अच्छे से। इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ। यह है एवरेस्ट का चिकन मसाला। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पनीर का। आप लोग ट्राई करके देखिए, बहुत टेस्टी बनता है। इसको मैं 1 चम्मच के लमसम डालूंगी। फिर इसको मैं अच्छे से चला दूंगी। मसाला जब खूब अच्छे से भुन जाएगा तब इसमें पनीर डालना है। मेरा मसाला आधा से अधिक भुन चुका है। इसको ढक के 3 से 4 मिनट हमको मीडियम फ्लेम पे पकाना है, तब मसाला एकदम परफेक्ट भुन जाएगा। ये देखिए खुशबू भी आने लगी है अच्छी खासी सब्जी की, मसाले की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें मैं पनीर डाल दूँगी। पनीर को अच्छे से चलाना है।
सब मिक्स कर लेना है सब्जी को। ताकि एक बराबर हो जाए, फिर इसको ढक देना है 3 मिनट के लिए, मीडियम फ्लेम पे ढक देना है। फिर इसको अच्छे से चलाना है। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है सब्जी, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो बिना पानी का हम सब्जी बना के आप लोगों को दिखा रही हूँ, और बहुत ही अमेजिंग बनता है, भाप से पक जाता है और तेल से, और बहुत ही अलग ही टेस्ट होता है। एक बार आप लोग ट्राई करिए, बहुत टेस्टी बनेगा। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। थैंक यू सो मच।